वो मेरा पार्सल आया होना। ओह माय गॉड, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल बारिश हो चुकी है और बारिश होने के बाद जो ठंड आ गई है उसका तो अंदाज़ा आप लगाओ ही ना। आज मैं धूप में बैठा हूँ, धूप निकली और मुझे इतना सुकून मिल रहा ना, शुक्र मनाया खुदा का कि हाँ धूप निकली है और हम सेक रहे हैं धूप को, नहीं तो कल तक तो हम धूप को कोस रहे थे कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है। एनीवेज ये तो चलता रहता है, हम किसी ना किसी को कोसते रहते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ राजन बी सिंह लूथरा। आज है संडे और आज है पैम्परिंग टाइम फॉर मी। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए आज रेस्ट डे होता है, बट मेरा आज पैम्पर डे है बिकॉज एक तो कैमरा शायद कैच नहीं कर पाएगा, रुको मैं इसको पहले साफ़ करता हूँ। हाँ, कैमरा शायद कैच ना कर पाए, मेरे यहाँ पे ना ब्लैक हेड्स हैं और मेरे ना बियर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ आ रखा है। आई डोंट नो क्यों आ रखा है, बट देखते हैं आज क्या करते हैं। आज हमें करना क्या है एक्चुअली, ये मैंने यहाँ पे टूटा सा एक मिरर रखा है, जिगाड़ी हूँ मैं, और पहले मुझे ये अप्लाई करना है फेस स्क्रब, फिर फेस मास्क, और इसके साथ मैं अपने वो जो ब्लैक हेड्स है वो रिमूव करूँगा। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मुझे बहुत टाइम पहले आए थे, मैं यही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप भी यूज़ करना। अब मुझे कुछ टाइम दो, मैं खुद को थोड़ा सा पैम्पर करके तैयार होके फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जब मिरर में अपने आप को देखा तो मैंने जहाँ यहाँ पर जो ब्लैक हेड्स देखे ना वो देख के मेरी जान निकल गई है। अब मैं उनको उतार लूँ, निकाल दूँ और बियर्ड भी थोड़ी सी सेट कर लूँ, ठीक है। आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, इस मौसम का आप मज़ा लो। और ये हम हो गए रेडी, देख रहे हो लिस्ट देख रहे हो कितनी आ गई, यहाँ पे जितने भी ब्लैक हेड्स थे वो भी निकल गए और अपनी दाढ़ी में से अब डैंड्रफ भी कम है। मेरे ना यहाँ भी डैंड्रफ आ गया था, पता नहीं कैसे, जैसे जैसे विंटर्स आती जाएगी ना मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बड़ी होती है। वैसे तो मैं ऑयल अप्लाई करता रहता हूँ, बट अगर किसी के पास कोई पक्का जुगाड़ हो तो मुझे ज़रूर बताना, देसी जुगाड़, क्योंकि मेरे आ जाती है यार, अगर किसी को पता है तो कमेंट करना। नाउ मी एंड मम्मी आर गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं कलर सेलेक्ट करने और कल का सामान लेके आने। काफ़ी चेंजेस हो गई हैं, जो आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये कलर कराना है वो कलर कराना है, सब सिलेबस बदल गया, अब हम दोनों ने कुछ नया सोचा और वो वाला करवाएंगे। पर अभी जा पहले हम कलर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कलर कंप्यूटराइज निकलना है, जो मुझे चाहिए वो कंप्यूटराइज निकलेगा मैट कलर वाला, पर मैट फिनिश में कौन सा कलर कराना है वहाँ जाके देखते, ठीक है। ओके, कल यही धूप अच्छी लग रही थी, आज यही धूप ना बड़ी प्यारी लग रही है। ऑल्दो अभी मैं ले आया हूँ सारा सामान यहाँ पे जो कल काम होना है, बस एक चीज़ नहीं आज लेके आए, वो ये है कि जो पेंट है, जो इस वॉल, मैंने आपको बताया मेरे घर में ये ना गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पता नहीं अब कैसे शीशा टूट गया वहाँ पे, वो देखो वो टूट के अपने आप गिर गया अभी। एनीवेज लीव इट, तो मैं आपको बता रहा था यस कि ये वॉल का कलर और जो अपनी अंदर वॉल है, मतलब ये वॉल्स का कलर, ये किस कलर का, ये दोनों सेम करानी है या ये डिफरेंट रखना है और बाहर वाला डिफरेंट रखना है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इसके अलावा हम सारा सामान ले आए, ये कलर मैं उनको होल्ड पे रखवा के आया हूँ, जो मुझे करवाना है वो वाला, और कल जो हमारे ये पेंट करने आएंगे उनको साथ लेके जाऊँगा पूछने के लिए कि अगर हम बाहर और अंदर सेम करवाते हैं, मतलब इस वॉल पर भी सेम बाहर वाली पर भी सेम, तो कहीं बारिश आए तो वो ख़राब तो नहीं होगा। अगर वो बोलेंगे नहीं तो फिर एक ही कलर होगा, अगर वो बोलेंगे ख़राब हो सकता है देन कलर चेंज होगा, कलर नहीं होगा सेम। अभी ये चीज़ को हम होल्ड पे रखा है, बाकी ए टू जेड सामान आया है, टोटल इस रूम को बनाने में कितना खर्चा लगा है वो मैं आपको जब रूम कंप्लीट हो जाएगा बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके, जिसने जो भी अपने घर पे एक स्टूडियो कम बेडरूम बनाना चाहता है उसको आइडिया रहे कि कितना खर्चा आता है वो मैं आपको। ब्लॉग्स देखते रहना, सब्सक्राइब करके रखना, आपको ये जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। ये पीछे आप स्टैंड देख रहे हो, मम्मी कल यहाँ रख के गई क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, ब्राउन पेरेंट्स थिंग यू नो। तो अभी के लिए हम आपको बस इतना बताते हैं कि एक वो टिक जा भाई, हाँ अभी के लिए आप इतना देखो कि कल मैंने जो ब्लॉग डाला है उसमें से जो जो चीज़ें आपको चाहिए जल्दी से पिक कर लेना, क्योंकि चीज़ें 5-7 हैं,
बंदों को भी 5-7 को ही मिलेंगे जितनी है, तो जो पहले आएगा कम्स फर्स्ट गेट्स फर्स्ट, अंग्रेजी चाहे गलत हो सकती है पंजाबी में समझा देता हूँ, जो पहले आएगा वो पहले लेके निकल जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगा हूँ क्योंकि आज का दिन बस इस कमरे में हम सोएंगे, आज हम अपना सारा गैजेट का सामान लेके नीचे टपक जाएंगे क्योंकि कल वो सुबह सुबह आएंगे, कल सुबह सुबह ये सारा रूम छिक 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 पहले छिलेंगे इसको, पहले ये चीज़ स्क्रैच करके इसको छिलेंगे ये चीज़ को, फिर इसके ऊपर एक और कोटिंग होगी, उसके ऊपर एक और कोटिंग होगी, फिर पेंट चढ़ेगा, तो इट्स अ लॉन्ग। कल से 3-4 दिन हम नीचे रहेंगे, रूम आपको बीच में दिखाता रहूंगा कितना काम हो गया कितना रह गया, बाकी फुल रूम का जो होगा टूर वो फिर आपको अलग व्लॉग एक बनेगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। और कल मुझे ये भी साफ करनी है, लेट मी शो यू, कल ये वाला जो कबाड़ा है ना इसके अंदर, आज दिखा देता हूँ, जज मत करना, ये सारी ये सारा कल साफ होगा, किचन है ये, और इसको सारे को साफ करना है हमें, और इसके अंदर भी पेंट करवाएंगे हम, यस इसके अंदर भी पेंट करवा देंगे, डन। चलिए थोड़ा रेस्ट फरमाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी ने आ लिया के दता ही वरताला नारियल, इनू में मां इंग्लिश अपन कोकोनट ही कहने हैं, तो ग्रीन वाले ने कोकोनट कही, ये भी कोकोनट है, तो ये छेलया तुसी वरत रखया सी तुसी खान पींदा ये कोई कोई रखदा खान पींदा। अच्छा मम्मा हाथ ते ना मरा लियो, मैं कट देना हाथ ते पानी कितने दे विच जड़ा पी लो, मम्मी ए मैं कट देना, ठहर जा हां, उंगल अंगल ना वड लियो ते मेरे पास असि अपना पावे मैं कर देना, ले वे आ पहलो वरत तोड़ो तुई अज वरत तोड़ो, तड़ी घर वाली तड़ान आई, उठो आराम ना ओ तोड़ता जे वरत आराम ना डेड़ा खोली बैठा ना। मैं कुछ दिन पहले जो एक इंटरव्यू वीडियो शूट करके आया था ना, अभी मैं वो एडिट कर रहा था क्योंकि मेरा दिल था कि इंस्टाग्राम पे तो चलो आपको दे रही है वो वीडियो, बट वो इंस्टाग्राम पे जो वीडियो गई थी ना वो फुल नहीं गई थी, वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ गई थी 4 मिनट की वीडियो, और वो फुल वीडियो बन रही थी 10-11 मिनट की, तो मेरा दिल था कि वो फुल वीडियो यूट्यूब पर डालूं, और ये मैं अभी वही वीडियो एडिट कर रहा हूं, एडिट हो भी चुकी है लगभग, बस अब फाइनल टचअप देना है, तो आपको इस व्लॉग से पहले वो वीडियो दिख जाएगी। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यार मैं यहाँ कार्ड में डालूंगा उसका लिंक, प्लीज़ जाके देखना क्योंकि वो वीडियो ज़रूर है देखने के लिए। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पे यूथ देख रही है, अपने मम्मा पापा को दिखाना, जो भी वोट डालने के लिए वैलिड है उसको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। मैं ऊपर बैठा कुछ काम कर रहा था, मुझे अभी पार्सल वाले का फ़ोन आया कि सर आपका एक पार्सल आया, और मुझे ना एक बहुत ही सही और बहुत ही बाकमाल पार्सल आना था, मुझे लग रहा है शायद वही आ गया, अगर तो वही आ गया हुआ तो मज़ा आ जाएगा, रुको नीचे जाके देखता हूँ। मेरा पार्सल आया होना, ओह माय गॉश हियर इट इज, इस पे लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट, क्या बात है, ये आ गया। इसकी अनबॉक्सिंग आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा, इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी भारी है और मुझे पता था ये आएगा। देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे से कल के व्लॉग तक रहा नहीं जाएगा इसको खोले बिना, क्योंकि मेरे अंदर हो रही है बड़ी अलग सी एक्साइटमेंट, मैं इसको आज ही खोल के देखने लगा हूँ, आपको बताऊँगा कल के इसमें क्या है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, फिर मैं आपको कल बताऊँगा कि इसमें क्या है, क्योंकि मेरे को आज ही देखना है। आई लव यू ऑल गाइस, विद दिस आज का व्लॉग खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर छोटा या बोरिंग लगा होगा माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज दीज डेज आई डोंट हैव मच थिंग्स टू डू, मैंने अपने शूट्स भी सारे पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि घर के काम में लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा बस आपको एक आधा दिन और ऐसा मिलेगा फिर काम ओके हो जाएगा, तो कल के व्लॉग में बने रहना, इसमें क्या है देखने के लिए, बाकी आई लव यू ऑल गाइस, हंसते बसते रहो, आप सारे छोटी कलाज रखे थे खड़का के, ये वाली जो क्लिप है मैं आज ही बना रहा हूँ अनबॉक्सिंग की, क्योंकि कल तो बस आपको मतलब कल सुबह बताऊंगा कि इसमें क्या है, बट अनबॉक्सिंग करते टाइम मुझे ये किलकिला आपको सुनानी है। ओके, इन्होंने जितने हिसाब से पैकिंग किया ना कुछ तगड़ा ही भेजा है, भेजा किस ब्रांड ने वो भी बताऊंगा, पर पहले ओके चलो अब बाकी इसमें क्या है मैंने देख लिया, आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है सुबह जब ब्लॉग शुरू करूंगा।